जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्ते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। काली माँ के ये जो हमने स्तुति बोली है तीन, इन स्तुतियों को बोलने के लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। माँ भगवती आदिशक्ति काली माँ को याद करने के लिए इन स्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए, यदि आपको कोई गुरु नहीं मिल पा रहा है तो। क्योंकि मंत्र जो होते हैं, इन मंत्रों के लिए गुरु से मंत्र प्राप्त करना होता है और उसका विधान सीखना होता है। परंतु स्तुतियों के लिए या प्रार्थना के लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो भैरव जी के ही स्तुतियाँ क्यों न हो, या काली माँ की ही क्यों न हो, या उग्र शक्ति की ही क्यों न हो। अब काली माँ की पूजा घर में वही लोग कर सकते हैं जिनकी कुल देवी है, और भैरव जी की पूजा भी वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी कुल देवी है। कुल देवी के रूप में परंपरागत रूप से काली माँ की पूजा करते आए हैं और भैरव जी की पूजा करते आए हैं, और घर के अंदर बलि दी जाती हो उस काली माँ की पूजा के दौरान, केवल वही व्यक्ति काली माँ की पूजा घर में कर सकते हैं। बाकी अन्य व्यक्तियों को, अन्य परिवार वालों को काली माँ की पूजा घर पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि काली माँ की जब भी कोई पूजा की जाती है, कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब कोई मनुष्य अनार की बलि दे देता है, नींबू की बलि दे देता है, नारियल की बलि दे देता है, जायफल की बलि दे देते हैं, तुमड़े की बलि दे देते हैं, तो ये पंच बलि के रूप में भी बलि दी जाती है। परंतु फिर भी माँ भगवती आद्यशक्ति काली को ओरिजिनल बलि देना चाहिए। इससे भी वो समझती है कि मुझे बलि मिली, परंतु जो वास्तविक बलि है वो बलि उनको देना चाहिए। चाहे वर्ष में एक बार दे, पर देना पड़ेगा, तभी आप घर में पूजा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, घर में सुख समृद्धि शांति और निरोगी काया सभी व्यक्तियों की चाहते हो, तो घर के अंदर काली माँ की और भैरव जी की मूर्ति ला करके उनकी पूजन अर्चन नहीं करें। आप काली माँ की पूजा के लिए मंत्र जप कर सकते हैं बिना मूर्ति के, हवन कर सकते हैं, परंतु मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करने पर उग्रता आती है, और जब उग्रता आएगी तो आपको बलि देकर के उस उग्रता को शांत करना होगा। और आप ये कहेंगे कि साहब मैं तो बलि नहीं दे सकता, तो फिर घर पे पूजा नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।